सूर्य वो लोग कब आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर वो आएंगे जरूर। इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी जासूस में। सूर्यवंशी के पहले गाने में होंगे अक्षय, अजय और रणवीर। तो आइए हम जानते हैं फिल्म के पहले गाने और फिल्म की रिलीज डेट को लेकर सबसे बड़ी अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मी जासूस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दिनों अक्षय कुमार और अजय देवगन के फैंस सूर्यवंशी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से ही फैंस ये फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं, क्योंकि ट्रेलर में अक्षय कुमार का एक्शन और अजय देवगन की एंट्री ने फैंस को दीवाना बना दिया है। और बता दें कि ये फिल्म रिलीज होने वाली थी 24 मार्च को, लेकिन अब 24 मार्च को ये फिल्म नहीं आने वाली, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस ने तबाही मचा दी है और कोरोना वायरस अब इंडिया में भी फैल रहा है। इसके चलते इंडिया में कई सारे सिटीज में 31 मार्च तक थिएटर बंद रहेंगे। और सूर्यवंशी एक बहुत बड़ी फिल्म है, तो जाहिर सी बात है कि सूर्यवंशी फिल्म इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। जब इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज के सिनेमा घर बंद रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि सूर्यवंशी फिल्म के कलेक्शन पर काफी बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता, और इसके कारण ही फिल्म मेकर्स ने ये फिल्म की रिलीज डेट को चेंज कर दिया है। हालांकि ये फिल्म अब कब रिलीज होगी इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर कब तलक रहेगा वो किसी को नहीं पता। जैसे ही देश भर के थिएटर ओपन हो जाएंगे तो ये फिल्म की एक नई रिलीज डेट को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन बात करें पहले गाने की, तो ये फिल्म का पहला गाना होगा आयला रे आयला, और ये गाना अक्षय कुमार की जबरदस्त कॉमेडी फिल्म खट्टा मिठा का सॉन्ग आयला रे आयला का रिमेक होगा। खट्टा मिठा में आयला रे आयला सॉन्ग एक आइटम सॉन्ग था, और अब वही सॉन्ग का रिमेक लेकर आ रहे हैं अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार। जय गाने में तीनों एक्टर एक साथ नजर आएंगे। सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा तीनों आयला रे आयला के रिमेक में जबरदस्त डांस भी करने वाले हैं। इसके अलावा ये गाने में कटरीना कैफ भी नजर आ सकती है। बात करें ये गाने की, तो ये गाने में आवाज होगी दलेर मेहंदी की और सिंगर वॉइस होगी कल्पना की। गाने के जो लिरिक्स है वो पुराने सॉन्ग की तरह ही रहने वाले है, लेकिन म्यूजिक थोड़ा चेंज किया गया है। जय गाने में म्यूजिक होगा तनिष्क बख्शी का। अब बात करते हैं सॉन्ग की रिलीज पर। वैसे ये गाना मार्च महीने में रिलीज होने वाला था, लेकिन अब कोरोना वायरस के चलते ये गाने को अप्रैल महीने में रिलीज किया जाएगा। अब बात करें ये फिल्म की, तो फिल्म में लीड रोल में अक्षय कुमार के साथ कटरीना कैफ, गुलशन ग्रोवर और कैमियो में अजय देवगन, रणवीर सिंह भी नजर आएंगे। और ये फिल्म को डायरेक्शन दिया है रोहित शेट्टी ने, फिल्म को प्रोड्यूस किया है रिलायंस एंटरटेनमेंट और करण जौहर ने। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें।